जो खरा आदमी होगा डरेगा नहीं। ऐ दुर्योधन, बोले खरा आदमी तो मुंह पे कहते कद नाट्या ना करते। और भाई की आप शिखर पे होते चढ़ा नहीं करते, चढ़ा नहीं करते। अगर घर में छोटा भाई सरपंच बन जा, पार्षद बन जा, डेलीगेट बन जा, और बड़ा भाई न्यू कह रहा मैं नहीं, बड़ा छोटा क्यों कर बन गया। बड़ा अगर जड़ेगा तो इससे बड़ा पाप नहीं है लोगों। किसी विद्वान आदमी ने प्रश्न करा कि वो भगवान कब नाराज होता है, तो विद्वान ने उत्तर दिया, परमात्मा तब नाराज होता है जब कोई किसी की निंदा करता है, बुराई करता है, जड़ता है, फूकता है। सबसे बड़ा पाप है ये कि दुर्योधन खरा आदमी हूं, मुंह पे कहूंगा कदे टड़ा नहीं करते, भाई की आवश्यक होता जड़ा नहीं करते। नंबर एक में दादा ने कितनी बढ़िया बात बताई, हर आदमी चाहता है कि तेरा नाम हो जा, हर आदमी चाहता है तेरे कने पैसा हो जा, लेकिन ये क्यूकर मिलता है, सुनिए क्या बताया। अतिथि के टाटी में, अतिथि के टाटी में, ओ घर बारी का बट्टा लागे, घर बारी का बट्टा लागे, भूखे के नाते से अये कुल की आब रेत में रल जा, गुणबे के पाटी में, गुणबे के पाटी में, झूठी से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय कवि है बटोड़ी गांव से, बहुत अच्छे अव्वल दर्जे के कवि आपके क्षेत्र के, छोटे भाई योगेश जी वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। कमेटी भी फूल माला लेकर चादर लेकर आ गई है, धन्यवाद। और धर्मवीर जी बामरोली से ये भी 100 रुपए देते हैं। अब सक्रात के बाद डाटा चला जाता है तभी ये चादर देते हैं, जब वो ढंग का भी टाइम खत्म होले है, लेकिन फिर भी ये हमारे हरियाणा की संस्कृति की ये पहचान है, पगड़ी और चादर। शुक्रिया, एक फोटो खिंचवा लो, फेसबुक पर जाओ वसुधा।
ओके जी, थैंक यू सो मच। रागनी आपको अच्छी लगी तो आप भी तालियों का आशीर्वाद दे सकते हैं। 500 रुपए से आदरणीय सतवीर पटवारी जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आइए सुनिए पंडित लक्ष्मी चंद जो की ब्रह्म ज्ञानी सूर्य कवि है, अगली बात में क्या लिखते हैं। तीन चीज मर्द बिन सुन्नी, तीन चीज मर्द बिन सुन्नी, धन धरती और घोड़ी, धन धरती और घोड़ी। दुनिया में कदे ना खिलती भाई काग हंस की जोड़ी, काग हंस की जोड़ी। जो अपनी आप बढ़ाई कर ले, अपनी आप बढ़ाई कर ले, उसकी इज्जत थोड़ी। बेरी का काटा न्यूरल के जड़ पड़ी आंख में रोड़ी, पड़ी आंख में रोड़ी। दिल लगी मेरी हवा थोड़ा सा दुआ था, और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती, प्यार मेरी मारने के बाद विदुर भगत के दुर्योधन कहता है कि चाचा विदुर मैं राजा हूं, प्रतापी राजकुमार हूं, और ये पांडव मेरे नौकर बनकर तो रह सकते हैं लेकिन मेरे सर पे राज नहीं कर सकते। तो विदुर भगत समझाते हैं कि मूर्ख, नीति के अनुसार तो युधिष्ठिर प्रतापी राजकुमार है, लेकिन अगर तू राजा का बेटा है, राजा बनना चाहता है, राजा के क्या कर्म होते हैं मैं बताऊंगा, राजा के कर्म क्या होते हैं। जिसकी रैयत, जिसकी रैयत सुख पावे वो भक्ति सफर नरक की, जो तिस्तेम बतावन खातर हो से पकड़ हरप की, जो तिस्तेम बतावन खातर हो से पकड़ हरप की। जो मिलके यारते दगा करेगा उस जूनी मिलेगी शरप की, पांडव रोज जिक्र करते दुर्योधन तेरे तरफ की, दुर्योधन तेरे तरफ की। राजा पत्थर ढाल पर पती है ला ला ला। Oh,
आदरणीय सुमेर साहब, सुमेर सिंह जी 500 रुपए से मान सम्मान करते। सुमेर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में हर इंसान के जीवन पे लागू होने वाली बात मास्टर, इस दुनिया में कर्म का बड़ा कुछ नहीं है। और एक बात कितनी बढ़िया कही, ए मानव तू कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। आज हर व्यक्ति कर्म करता है लेकिन दूसरे की तरक्की देख के जड़ता है। लेकिन सजनों, इस कर्म का बड़ा कुछ नहीं है, आखिर में कलम ही तोड़ दी के बता दिया।